When should I take my PT exam? Should I focus on the predictions which are given by the different kind of YouTube channels or I would say YouTubers? See, Pearson higher authorities ने मुझे तो call करके नहीं बताया कि कौन सा exam होने वाला है आसान और कौन सा exam होने वाला है मुश्किल अगस्त में या जुलाई में. तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो predictions होती हैं कि इस दिन ये exam होगा मुश्किल या इस दिन ये exam होगा आसान, इन बातों पर आप बिल्कुल भी मत जाइए. आपको एग्ज़ाम तभी देना चाहिए जब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएं. किसी की बातों में मत आइए कि 22 तारीख का एग्ज़ाम आसान होगा या 27 तारीख का एग्ज़ाम आसान होगा. ऐसा कुछ नहीं है. किसी को नहीं पता कब का आसान होगा और कब का मुश्किल होगा. अगर आपकी तैयारी अच्छे से है तो हर एक एग्ज़ाम आसान है, और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो हर एक एग्ज़ाम मुश्किल है. तो एग्ज़ाम तभी देना है आप लोगों को जब आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए. आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है? सी, हर वीक में 1 or 2 मॉक टेस्ट दीजिए. आफ्टर 5 or 6 मॉक टेस्ट देखिए आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं उन मॉक टेस्ट में, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम. आपकी रिक्वायरमेंट अगर 6.5 है और आपके 7 बैन आ रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में लगातार, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम. इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. कुछ भी फालतू की सब्सक्रिप्शंस मत दीजिए, पैसा वेस्ट मत कीजिए. अगर आपको एक ऑथेंटिकेटेड मॉक टेस्ट देना है तो आप पियर्सन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो फ्री मॉक टेस्ट है वहाँ पर वो दे सकते हैं. ऑलमोस्ट सेम स्कोर आता है बच्चों का वहाँ से. प्लस जो आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स आए होंगे, आई होप कि वो एक्सपीरियंस टीचर्स ने ही दिए हैं, क्योंकि अगर आपका टीचर एक्सपीरियंस नहीं है और उसे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आई एम सॉरी, आप गलत जगह पर हैं उस टाइम पर. और चाहे आपके मॉक टेस्ट में 7 बैंड स्कोर आ रहे हैं, रियल एग्ज़ाम में आपके 5.5 या 6 ही आए. तो प्लीज़ फोकस कीजिए इस चीज़ पर कि आप जब प्रिपेयर हैं तब अपना एग्ज़ाम दीजिए. दूसरों की बातों पर फोकस मत कीजिए कि इस दिन पेपर आसान होगा या इस दिन पेपर मुश्किल होगा या 8 बजे का आसान होगा या 10 बजे का आसान होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो हर एक एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा आसान है. बट मेक श्योर कि आप 5 मॉड्यूल्स पे बहुत अच्छे से फोकस करें. दैट इज़ रीड अलाउड, रीड सेंटेंसेस, देन वी हैव रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, वी डू राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट ट्रांसलेशन. अगर ये 5 मॉड्यूल्स आप अच्छे से कर लेते हैं, आई श्योर यू दैट यू विल बी एबल टू अचीव योर डिजायर्ड बैंड स्कोर और पेपर आसान लगेगा आपको. थैंक यू. दिस इज सोनल धवन फ्रॉम इंसिग्निओस.